सो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में जैसे कि आप लोग ने देखा था कि भाई फ्रैंकलिन अपने रास्ते से जा रहा था, उसी के बीच में तीन भूत मिल जाते, ग्रैनी, सिलेंडर मैन और पेनीवाइज। वो तीनों भूत मिल करके फ्रैंकलिन से अपना पुराना बदला हिसाब चुकता करते हैं और फ्रैंकलिन को वहीं पे मार देते हैं। उसके बाद पुलिस केस हो जाती है, पुलिस आता है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और तीनों के भूत को पकड़ के जेल ले जाता है। फिर बाद में स्पाइडरमैन, आयरन मैन और अवेंजर्स की टीम आती है, वो देखती है फ्रैंकलिन को लेटा पड़ा तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाती है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर देखता है तो वो बोलता है फ्रैंकलिन कोमा में जा चुका, वो मरा नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हमारे अवेंजर सुपर हीरो फ्रैंकलिन को बचा पाएंगे या फिर फ्रैंकलिन का एंड यहीं पे है? क्या GTA 5 का एंड यही है? आप लोग जो भी कह सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके जल्दी से कहिए। हम लोग देखते हैं आगे वीडियो में। तो अब समय आ चुका है फ्रैंकलिन को वापस से जिंदा करने का। फाइनली मैंने वो मशीन बना ली है जिससे हम लोग फ्रैंकलिन या फिर किसी के दिमाग के अंदर जा करके देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की मशीन है और दिमाग को ठीक भी कर सकते हैं। आइला सर जी, आपको पक्का यकीन है ना इससे फ्रैंकलिन ठीक ही हो जाएगा? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? नहीं स्पाइडरमैन, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बट उसके लिए हम लोग सबको साथ में फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर में कुछ भी हो सकता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अंदर में बहुत सारे अजीब अजीब एलियंस या फिर अजीब अजीब क्रिएचर देखने के लिए मिल सकते हैं, इसीलिए हम लोग को साथ में होना पड़ेगा। आइला सर जी चिंता मत करिए, चलिए मशीन को ऑन करिए, हम लोग पांचों मिलकर के फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर जाएंगे और फ्रैंकलिन को बचा के बाहर ले आएंगे। हाँ एकदम सही बोला, सब लोग तैयार हैं? अवेंजर्स तुम लोग सब तैयार हो ना? हल्क फ्रैंकलिन को बचाने के लिए तैयार है, थोर भी फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर जाने के लिए बहुत पहले से ही तैयार है। हाँ हम लोग सब तैयार हैं, आयरन मैन जल्दी से शुरू करो। आइला सर जी शुरू करिए, हम लोग सब जाएंगे और फ्रैंकलिन को बचा लाएंगे। तो ठीक है मैं इंजन ऑन कर रहा हूँ इसका, थोड़े झटके आ सकते हैं बट तुम लोग ध्यान से रहना। आइला सर जी ये क्या हो रहा है? अरे आयरन मैन सर जी ये मशीन से तो बहुत सारी आगे निकल रही है, पत्थरें निकल रही है, ये तो लगता है खराब हो गया। नहीं नहीं ये काम करेगा, मेरा मशीन खराब नहीं हो सकता, ये काम जरूर करेगा, देखो ये काम करने लगा। आइला सर जी ऐसा लग रहा जमीन हिल रहा है। ये क्या, ये मैं कौन सी जगह पे गिर रहा हूँ? यहाँ पे तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है, मुझे सही जगह गिरना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे पास पैराशूट था, अच्छा हुआ मैं आयरन मैन सूट पहन के आया था, तो वरना ये पैराशूट नहीं होता और मैं नीचे धड़ाम से गिरता। बट एक सेकंड, बाकी अवेंजर्स लोग कहाँ हैं? बाकी सारे अवेंजर्स लोग तुम लोग सब कहाँ पे हो? मुझे लगता है बाकी सारे अवेंजर्स लोग से कॉन्टेक्ट करनी पड़ेगी, वो लोग कहीं और लैंड कर चुके हैं। अवेंजर्स अवेंजर्स डू यू कॉपी ओह नो, वो लोग तो यहाँ पे कुछ सुन भी नहीं रहे हैं। और एक सेकंड, ये जगह भी बहुत ही अजीब टाइप की है, आसपास कोई भी लोग नहीं है, ऊपर से बर्फ अलग चल रहा है यहाँ पे। अरे वो देखो वहाँ पे लगते कोई अवेंजर्स है, मैं जाकर के देखता हूँ। अरे अवेंजर्स एक सेकंड, ये कौन है? ये तो आयरन मैन है, मतलब ये तो मैं हूँ। और एक सेकंड, ये क्या, मैं तो मर चुका हूँ, ये क्या, क्या फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर मैं मर चुका हूँ? ये क्या देखने के लिए मुझे मिल रहा है? तुम अभी मरे नहीं हो बट मर जाओगे, हम लोग वो बीमारी हैं जो फ्रैंकलिन को कभी जिंदा नहीं होने देंगे। एक तो गया, और भी सब आए हैं क्या तुम्हारे साथ? फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर हम लोग सब राज कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे आगे किसी को नहीं बचा सकते, किसी को नहीं बचा सकते, किसी को नहीं बचा सकते। क्या समझे? आइला दोस्तों पता है हम लोग फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर लैंड कर चुके हैं, और सर जी मतलब कि आयरन मैन सर जी ने बोला था कि हम लोग सबको साथ में लैंड करने के लिए, वो पता नहीं कहाँ लैंड कर चुके हैं। अब हम लोग करे तो करे क्या साथियों, हम लोग क्या करे? हम लोगों को आयरन मैन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वो आता ही होगा। अरे हाँ आता ही होगा। आइला मुझे थोड़ा प्यास लग रहा है, एक काम करता हूँ पानी पी के आता हूँ, तुम लोग सब यहाँ पे इंतजार करो आयरन मैन सर जी का, मैं पानी पी के आता हूँ, नीचे ही नदी है ये देखो, यहाँ पे चुपचाप जाके पानी पी लूंगा। फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर आने पर मेरा तो पूरा पेट ही खाली हो गया, चलो यहाँ से पानी पीता हूँ। चलो अब आयरन मैन को तो मैंने गाड़ी के अंदर भर लिया है, अब बाकी अवेंजर्स लगता है आए हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा मजा चकाया जाए। अवेंजर्स मैं आ रहा हूँ। अरे वो यहाँ पे तो तीन तीन अवेंजर्स हैं, हल्क, कैप्टन अमेरिका और थोर, ये तीनों आए हैं। अब लगता है ये तीनों को भी मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। रुको मैं आ रहा हूँ, तुम लोग का फेक आयरन मैन मतलब कि ज़ॉम्बी आयरन मैन आ रहा हूँ, तुम लोग को भी पकड़ के फ्रैंकलिन के पास ही ले जाऊंगा। ये देखो आ गया मैं। हल्क कहना चाहता है तुम ऐसे कैसे हो गए? हाँ टोनी तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम्हारा आधा शरीर तो गायब हो चुका है। कितने भोंदू हो तुम लोग तीनों, तुम लोग को अभी भी नहीं पता चला? अरे मैं आयरन मैन नहीं, मैं फेक आयरन मैन मतलब कि ज़ॉम्बी आयरन मैन हूँ, मैं तुम लोग सबको खत्म कर दूंगा, ये अब से मेरा दुनिया है।
फ्रैंकलिन के दिमाग में मेरा कब्जा है, इसीलिए तुम लोग सब आए हो। तुम लोग को मार करके मैं ताकतवर और हो जाऊंगा। ये लो, कैसा लगा? तुम लोग सबको मैं मार दूंगा। मजा आ गया ना? तुम लोग तीनों को मैंने मार दिया। अब एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी में ये लोग तीनों की भी बॉडी डाल दूंगा, उसके बाद लैब में जा करके पावर मेरे अंदर आ जाएगी। अब चलो, अब मैं अपना लैब चलता हूँ। सबकी बॉडी तो मैंने फाइनली गाड़ी के अंदर डाल ली है, अब लैब जाऊंगा और जा करके ये लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद मैं पावरफुल बन जाऊंगा। लगता है इतने ही सारे अवेंजर्स आए होंगे, सबको मैंने अपने मुट्ठी में बंद कर लिया हूँ। चलो अब जल्दी से अपना लैब चलता हूँ। ज़ॉम्बी आयरन मैन, तुम्हारी तो निकल पड़ी। आई लव पानी पी के तो मजा आ गया। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से जाता हूँ सबके पास। अब तो लगता है आयरन मैन सर जी आ ही गए होंगे। हम लोग सब लोग चलेंगे फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए। अरे बाकी सारे एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, हल्क, तुम लोग सब कहाँ पे हो? एक सेकेंड, वो लोग लास्ट टाइम तो यहाँ पे थे, अब कहाँ चले गए? ओ नो, वो लोग अकेले ही फ्रैंकलिन को ढूंढने चले गए, मुझे बिना बताए। वो लोग मुझे इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, मतलब कि मैं अवेंजर्स में हूँ भी कि नहीं हूँ गाइस। वो लोग अकेले फ्रैंकलिन को बचाने चले गए, मुझे तो बुलाया भी नहीं। छोड़ो, अब मैं वो लोग के पास कभी नहीं जाऊंगा, अकेले ही जाओ फ्रैंकलिन को बचाए। अब एक काम करता हूँ, मैं लॉस सैंटोस घूमता हूँ। इसका दिमाग का लॉस सैंटोस में तो पूरा ही जगह बर्फ के गोले ही भरे हुए हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ, कितना मजेदार जगह है। चलो एक काम करता हूँ, शहर में जाके चेक करता हूँ। अरे वाह दोस्तों, देखो शहर में हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बट हाँ कोई भी लोग नहीं है, क्योंकि फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर कोई लोग होंगे भी कैसे, उसका दिमाग तो पूरी तरीके से खाली है खाली। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम इस दुनिया में कैसे आगे बच्चे? आइला एक सेकेंड, आप कौन हैं? मैं तो ये दिमाग के अंदर आया हूँ, ये दुनिया थोड़ी ना, ये फ्रैंकलिन का दिमाग है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, अब ये फ्रैंकलिन का दिमाग नहीं, ये मल्टीवर्स का एक पार्ट बन चुका है। इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी आयरन मैन आ चुका है, वो सारे सुपर हीरो को किडनैप कर रहा है और उससे शक्तियाँ छीन रहा है। क्या तुम अकेले थे या फिर तुम किसी को ढूंढ रहे हो? आइलन नहीं नहीं, मेरे साथ मेरी टीम आई थी, 5 जन की टीम थी, और पता है वो लोग मुझे छोड़ के पता नहीं अकेले ढूंढने चले गए, इसीलिए मैं वो लोग से नाराज हूँ। एक सेकंड, वो लोग तुम्हें अकेले छोड़ दिए? ऐसा हो नहीं सकता, ये हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी आयरन मैन आकर के उसे ले गया हो। आइला ये क्या मतलब कि हमारे पूरा अवेंजर्स आर्मी वो ज़ॉम्बी आयरन मैन के कब्जे में है? हाँ ऐसा हो सकता है, अगर वो लोगों को तुम बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, क्योंकि मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। ज़ॉम्बी आयरन मैन से मेरा बहुत सालों पुराना दुश्मनी चल रहा है। एक काम करो, जल्दी से आके मेरी गाड़ी में बैठो। अरे रुको रुको, बट मुझे ये तो बताओ तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें अपना अवेंजर्स हाउस दिखाने ले जा रहा हूँ। आइला तुम्हारे पास भी अवेंजर्स हाउस है? वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? नहीं कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं अकेला ही बचा हूँ, बाकी जितने भी अवेंजर्स मेंबर थे ज़ॉम्बी आयरन मैन ने सबको खत्म कर डाला। आइला ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बोलो मेरे अवेंजर्स आर्मी को भी खत्म ना कर दे। अरे जल्दी गाड़ी बढ़ाओ, जल्दी गाड़ी बढ़ाओ। बढ़ा रहा हूँ, हम तुम्हारे अवेंजर्स आर्मी लोग को बचा के रहेंगे स्पाइडरमैन, चिंता ना करो। ये देखो ये है हमारा अवेंजर्स हाउस, है ना कमाल का? आइला बहुत ही कमाल का, दिखाओ तुम्हारे अवेंजर्स हाउस में क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बट अभी हम लोग को कुछ भी करके वो ज़ॉम्बी आयरन मैन को रोकना है, वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हम लोग को सबसे पहले अपग्रेड होना पड़ेगा। मैं तो फुल्ली अपग्रेडेड हूँ, अपग्रेड तुम्हें होना पड़ेगा। आइला ठीक है, बट अपग्रेड होने के लिए तुम्हारे पास है क्या? मैं तुम्हें देता हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो? ये देखो ये है मेरा वर्क स्पेस, यहाँ पे मैं हर सामान चीज रखता हूँ। आइला तुम्हारा तो बहुत ही खतरनाक है, हमारे सर जी से भी बेहतर। हाँ हाँ मुझे पता है, अब मैं तुम्हें एक सूट देता हूँ, वो सूट पहन करके तुम ज़ॉम्बी आयरन मैन से लड़ सकते हो। जार्वेस जल्दी जल्दी मुझे स्पाइडरमैन के लिए सूट दिखाओ। एक काम करता हूँ, खुद ही जाके चेक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सूट है। स्पाइडरमैन तुम खुद ही आके क्यों ना सूट चेक कर लो। अरे हाँ मैं भी सूट चेक करूंगा। एक सेकंड, तुम्हारे पास लिफ्ट भी है क्या? अरे वाह दोस्तों, इसके पास तो लिफ्ट भी है, देखो तो क्या ही कमाल का लिफ्ट है, मैं तो नीचे आ गया। अब एक काम करता हूँ, मैं खतरनाक सा सूट को सेलेक्ट करता हूँ। आइले दोस्तों देखो, क्या ही मैं खतरनाक तरीके से अपग्रेड हो चुका हूँ। अरे शुक्रिया, पता है ये सूट तो बहुत ही कमाल का है, अब हम लोग कुछ भी करके लेकिन ज़ॉम्बी आयरन मैन को खत्म ही कर देंगे। हाँ एकदम सही कहा, हम लोग दोनों मिल करके उसे खत्म ही कर देंगे, पता नहीं वो कर क्या रहा होगा। तुम लोग सब क्या सोचे, भाग जाओगे? ऐसा हो नहीं सकता, पहले फ्रैंकलिन को मैंने इसके दिमाग में कब्जा किया, अब तुम चारों की पावर अब मेरे पास आएगी,
अब मैं ये ब्रह्मांड का, बाकी सारे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलेन बन के दिखाऊंगा। अरे ओए ओए अवेंजर्स, तुम लोग आकर के इसको हराने का था, इसी से दोबारा से आकर के फंस गए। फ्रैंकलिन, मुझे नहीं पता था कि इतना ताकतवर है। ये पीछे से वार किया हम लोग के ऊपर, हमें कुछ समझ में भी नहीं आया। अभी हम लोग को बंदी बना लिया, अब हम लोग इज्जत करेगा क्या? ये ज्यादा कुछ नहीं, पता नहीं क्या करने वाला है। मुझे भी उतना दिन से बंदी बना के रखा हुआ है। मैं बताता हूँ ना मैं क्या करूँगा। मैं तुम सबकी पावर खींच करके एक अपना आर्मी बनाऊंगा, देख लेना। आइला, ऐसा सोचना भी मत। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन, मैं आ चुका हूँ तुम्हें रोकने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए। एक सेकंड, ये किसने बोला? अरे अच्छा, तुम भी आ चुके हो। स्पाइडरमैन की ही कमी थी, ऊपर से तुम अपग्रेडेड स्पाइडरमैन हो, बहुत ही बढ़िया। तुम भी आ जाओ लाइन में जाकर के हाथ खड़े करके बैठ जाओ, तुम्हारा भी टाइम आएगा। आइले, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है। अभी बताता हूँ तुम्हें तुम्हारा हालत क्या होने वाला है। रुको, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, ये लो एक मुक्का खाओ। कैसा लगा? अरे तुम तो एक ही मुक्का में गिर गए, बेचारे कमजोर कहीं के। तुम लोग सब, इंट्रोडक्शन की टाइम नहीं है, मैं इस जगह को बॉम्ब उड़ाने वाला हूँ। तुम लोग सब जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन के दिमाग से बाहर निकलो, वरना तुम लोग सब इस जगह पे फट जाओगे। आइला, बट हम लोग बाहर निकलेंगे कैसे? आइला, वो देखो वहाँ पे मशीन, चलो मशीन के पास चलते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, इससे हम लोग बाहर जा सकते हैं। सब लोग मशीन के पास आ जाओ। अरे हाँ, तुम नहीं आओगे क्या? नहीं, मैं नहीं आने वाला। मैं दूसरे यूनिवर्स में जाकर के ऐसे दुश्मनों को खत्म करूंगा। तुम जाओ स्पाइडरमैन। आइला शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम है कैप्टन आयरन मैन। अरे वाह, शुक्रिया कैप्टन आयरन मैन। चलो अब मशीन को ऑन करते हैं, जल्दी से हमें फ्रैंकलिन के दिमाग के बाहर ले चलो। अरे वाह यार, फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और मैं ठीक भी हो चुका हूँ। तुम लोग सबका शुक्रिया भाई, मजे आ गया। तुम लोग सब लोग ने मिल करके मुझे बचा ही लिया। और भाई यार, स्पाइडरमैन को तो देखो, स्पाइडरमैन को नया सूट भी मिल चुका है। आइला हाँ, क्या ही मजेदार सूट है। ओके यार, मतलब यार सच में मजे आ गया। चलो यार, हम लोग ने सारा काम कर लिया, बस एक काम बाकी है। कौन सा काम फ्रैंकलिन? पेनीवाइज, सिलेंडरमैन और ग्रैनी को, भाई वो जेल के अंदर बंद है, उन लोग ने मुझे मारा था। अब हम लोग जरा उन लोग को जाकर के थोड़ा सा डराते हैं। हाँ जरूर जरूर, रात होने के बाद तुम जाके वो लोग को डराना। अरे हाँ यार, रात होने के बाद वहाँ जाकर के वो लोग को हम लोग डराने वाले हैं भूत बन के। हम लोग की जिंदगी कितनी बर्बाद हो चुकी है। हम लोग कितने अच्छे से लॉस सैंटोस में सबको डराते थे, बिना मतलब का फ्रैंकलिन को मार दिए। देखो जेल के अंदर भर्ती है। अगर अच्छा होता कि फ्रैंकलिन ना मरा होता तो आज हम लोग बाहर होते हैं। ही ही ही, फ्रैंकलिन नहीं मरता तो आज मैं गुब्बारा बेच बेच के अंबानी हो जाता। ही ही ही, मुझे घर पे ही रहना चाहिए था, बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। चलो यार, अभी इन लोग को डराते हैं। एक सेकंड, तुम लोग तीनों जेल में क्या कर रहे हो? तुम लोग को क्या सजा मिला है? हम लोग ने फ्रैंकलिन को जान से मार दिया, इसीलिए हम लोग जेल के अंदर भर्ती हैं। अच्छा, फ्रैंकलिन को तुम लोग ने जान से मार दिया? अरे ये तो फ्रैंकलिन का भूत है। अरे जल्दी भागो, फ्रैंकलिन का भूत हमें मारने आया है, भागो भागो। ये जेल कम था, क्या फ्रैंकलिन का भूत भी हमें तंग करेगा? फ्रैंकलिन का भूत हमें मत तंग करो। मैं तो ग्रैनी हूँ, मुझे तंग मत करना, चलो जल्दी से भागती हूँ। ये लारे, मैं तो दरवाजे में टकरा गई। चलो यार, ये तीनों से भी बदला ले ही लिया है, मजे आ गया। सो गाइस, नीचे कमेंट करके बताना कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों का शेयर भी करना। ओके गाइस, हम लोग इस तरीके से वीडियो लाते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।